Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and this is our day 20 of our 100 days coding challenge. So finally we have reached so far, so our second decade pura ho raha hai aaj. 20 programs ho jayenge and we have to go far, we have to reach up to 100 days and together we will be doing that taki aap ban jaye noob to pro and you actually get the hold of Python programming basics. तो आपको अच्छे से बेसिक्स जो पाइथन के लॉजिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं, आपको पता चल जाए कि किस तरह से हम पाइथन में कोड करते हैं. ये प्रोग्राम्स आप चाहो तो सी, सी प्लस प्लस, जावा में भी ट्राई कर सकते हो बिकॉज क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ हर लैंग्वेज में उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, राइट? सो आज का प्रोग्राम है चेक इफ अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट. सो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स भी होती हैं, पैलिंड्रोम नंबर भी होते हैं. आज हम कर रहे हैं नंबर को चेक करना कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं. As example, I've shown this 12721. So palindrome का मतलब क्या है कि if you reverse the number, तो आपके पास वापस से वही आ जाता है. So अगर मैं number का reverse निकालती हूँ, I will get the same number that is said to be palindrome. ठीक है? For example, जैसे मैंने वहाँ लिखा हुआ है 12721. So अगर आप इसका reverse भी निकालोगे, तो आपके पास 12721 ही आएगा. So if the reverse and original number is same, it is said to be a palindrome number. अब बात आती है कि reverse कैसे निकालेंगे. तो यही मैंने आपको पिछले दिन homework में दिया था कि try करो कि reverse कैसे निकालोगे. हमने किया था sum of digits of a number. So उसी के concept के ऊपर base ये program आगे चलेगा. If you remember, तो sum of digits कैसे काम कर रहा था कि अगर मेरे पास एक number है 563, तो सबसे पहले जो digit आता है वो 3 आता है, है ना? अगर मैं उस 3 को प्रिंट करा दूं तो 3 प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद जो डिजिट आता है वो 6 आता है, आपने उसको प्रिंट करा दिया तो 6 प्रिंट हो जाएगा. फिर 5 आता है, उसको प्रिंट करा दिया तो 5 हो जाएगा. सो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो नंबर्स हैं वो उल्टे ऑर्डर में आ रहे हैं और उल्टे ऑर्डर में जब हम उनको ऐसे लिखते हैं तो वी गेट द रिवर्स. बट आप उसको कैलकुलेट करके किसी वेरिएबल में लाना चाहते हो, पाइथन में हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कंकैटिनेट करा सकते थे या डायरेक्टली ही स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते थे, ठीक है? बट अगर हम जनरल लॉजिक सोचते हैं जहाँ पर हम पाइथन के स्पेशल कंसेप्ट यूज़ नहीं कर रहे, एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको रिवर्स निकालना है तो आप क्या कर सकते हो. सो वो कुछ ऐसे हो सकता है कि भाई अगर मेरे पास 563 है, पहली बार 3 आया तब तो चलो ठीक है, मेरे पास रिजल्ट 3 आ जाए. अगली बार जब 6 आता है तो मुझे डिजिट को एक लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है और वो हो सकता है कि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 36. अगली बार जब आपके पास 5 आएगा तो आप इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर प्लस 5 कर दो, सो दैट बिकम्स 365. और इनिशियली जब 0 था तो हमने 0 × 10 प्लस 3 किया होगा ताकि हमारे पास 3 आ जाए. सो हर बार जो सम है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एक डिजिट आगे ऐड हो सके और उस डिजिट को यहाँ पर ऐड कर देंगे, बिकॉज व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 10 यू मेक श्योर कि लास्ट डिजिट 0 है, तो आप जो भी उसमें ऐड करोगे वो इस जगह पर फिक्स हो जाएगा. सो सबसे ज़रूरी है पहले ये सोचना कि रिवर्स कैसे निकलेगा, ठीक है? तो अब आपके पास अगर ये नंबर है और आपको इसका रिवर्स निकालना है तो हम वही स्टेप्स कर रहे हैं. सबसे पहले कि डी में आपके पास आ जाए रिमाइंडर, उससे आपके पास डिजिट आ गया, ठीक है? इनिशियली रिजल्ट आपने 0 ले रखा है, अब हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू 10 प्लस डी. सम ऑफ डिजिट्स में हम सिर्फ रिजल्ट प्लस डी कर रहे थे पर अब हम 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें डी को ऐड कर रहे हैं. सो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू 10 प्लस डी. तो आपके पास रिजल्ट 0 है तो 0 × 10 इज 0 प्लस 2 इज 2. सो रिजल्ट की न्यू वैल्यू 2 हो गई. अब थर्ड स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, आप नंबर को ही 10 से डिवाइड कर देते हो ताकि आपके पास नंबर रह जाए 787. अब इसमें से जो डिजिट आएगा डी में वो होगा 7, लास्ट डिजिट. अब आपके पास रिजल्ट ऑलरेडी 2 है तो हम 2 × 10 प्लस 7 करेंगे, दैट विल गिव अस 27. फिर से नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 78. इसमें से जो डिजिट आएगा वो होगा 8. रिजल्ट ऑलरेडी 27 है, 27 × 10 प्लस 8 गिव्स यू 278. Now the number left is 7, that itself is the digit, so it's 278 × 10 plus 7, that is 2787. So that is the reverse. तो अब हमें बस ये देखना है कि जो हमारा original number था और जो हमारा reverse है वो same है या नहीं.
तो अगर ओरिजिनल नंबर और रिवर्स सेम है तो इट इज़ अ पैलिंड्रोम, और अगर सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, राइट। अब हम इसका कोड कर सकते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको करवाया था ये वाला क्वेश्चन, तो उसमें हमने एक चीज़ करी थी कि हमने एक ए वेरिएबल ले लिया था जिसके अंदर हमने उसको स्टोर करा दिया था नंबर को, ताकि लूप जब ख़त्म हो तो आपका नंबर ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास नंबर कहाँ से आएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे भी आपको चाहिए होगी। अभी तक हम प्रोग्राम्स पाईचार्म में कर रहे थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पाईचार्म में करो या आईडीएली में करो। सो दिस इज़ पाइथन आईडीएली। प्रोग्राम का कोड बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, देयर इज़ नो डिफरेंस। सो यहाँ पे मैंने पूछा एंटर अ नंबर टू बी चेक्ड, ठीक है। सो एंटर अ नंबर टू बी चेक्ड, नंबर हमारे पास पूछ लिया जाएगा, और अब उस नंबर को हमने स्टोर करवा दिया किसी दूसरे वेरिएबल में भी, और रिजल्ट मैंने इनिशियली मान लिया ज़ीरो। एंड देन आई टेक अ लूप। अब चाहे मैं ए को ले लूँ कंडीशन में, चाहे नम को किसी एक को ले सकती हूँ, कि जब तक वो नंबर ज़ीरो से बड़ा है वी शुड फाइंड आउट द डिजिट, एंड डिजिट आएगा मॉड करने से। सो वी गेट डी इज इक्वल टू ए मॉड 10, देन रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू 10 प्लस डी, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए फ्लोर डिविजन 10। सो कमिंग आउट ऑफ दिस वी विल चेक कि अगर हमारा नंबर और हमारा रिजल्ट सेम है तो नंबर इज अ पैलिंड्रोम। तो आई कैन शो इज अ पैलिंड्रोम, एल्स आई कैन शो नम इज नॉट अ पैलिंड्रोम। सो दैट्स हाउ वी विल कोड इट। तो हमने सिंपल सम ऑफ डिजिट जैसा ही है दिखने में, आपने नंबर पूछा, आपने उस नंबर का सम किया, लेकिन 10 से साथ में हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया ताकि हमारे पास रिवर्स आ जाए, और उसके बाद हम बता सकते हैं कि पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर आप चाहते हो कि रिवर्स भी प्रिंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सो रिवर्स ऑफ नंबर इज रिजल्ट, सो वी कैन डू दिस, और इसको अब हम रन करके देखते हैं। सो व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम, ये आपसे पूछेगा एंटर नंबर टू बी चेक्ड, आई एंटर 567। सो ये शो कर रहा है रिवर्स ऑफ नंबर इज 765, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। मैंने इसको फिर से रन किया एंड दिस टाइम आई एंटर 45654, सो रिवर्स इज ऑल्सो द सेम एंड नंबर इज अ पैलिंड्रोम। तो अगर आपका नंबर पैलिंड्रोम है, मतलब उसका रिवर्स उसके सेम होगा तो वो पैलिंड्रोम शो कर देगा, अगर रिवर्स उसके सेम नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं शो करेगा। सो दैट इज़ हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई होप ये सबको क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही इस प्रोग्राम को खुद से बना के देखना है। सो ट्राई टू मेक दिस प्रोग्राम ऑफ योर ओन, उसके बाद आप ऐसे प्रोग्राम और उसका आउटपुट साइड बाई साइड लगाएंगे, उसकी स्क्रीनशॉट लेंगे और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करेंगे, ठीक है। सो यू विल टैग मी दैट यू हैव डन दिस, और करने के बाद आपको वीडियो के कमेंट में भी लिखना है कि डे 20 कम्प्लीटेड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोस्ट जिन्होंने अभी तक यहाँ तक आकर डे 20 कम्प्लीट कर लिया है। क्योंकि शुरू में जब हमने शुरू किया था तो बहुत बच्चे थे जो कमेंट्स में रोज़ लिख रहे थे कि मैम डे 1 कम्प्लीटेड, डे 2 कम्प्लीटेड, डे 3 कम्प्लीटेड, बट मुझे पता है ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे जैसे हम किसी चीज़ में आगे बढ़ते जाते हैं जोश कम होता जाता है, पर सर्वाइव वही करता है और जीतता वही है जिसका जोश कम नहीं होता। सो द वंस जिनका जोश कम हो गया, जिन्होंने बीच में छोड़ दिया, आर गोइंग टू लूज दिस, आर और आई शुड से दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट। तो अगर आप एक्चुअली में सीखना चाहते हो, अगर आप एक्चुअली में जीतना चाहते हो, तो आपकी फ़ाइट अपने आप से है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप रेगुलर रहो। अगर आप ये 100 डेज कंप्लीट कर पाते हो, देन ओनली यू डिज़र्व टू बी अ प्रोग्रामर। अगर आप में इतना जज्बा है, अगर आप में इतनी डेडिकेशन है, तभी आप डिज़र्व करते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर भैया वैसे ही गिव अप कर दो, है ना, देन देर इज़ नो पॉइंट डूइंग इट। सो ऑल द बेस्ट टू द वंस हु आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद इट, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अभी आगे 80 डेज और हैं, 80 प्रोग्राम्स हम और करेंगे एंड दे विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे अभी तक के 20 प्रोग्राम्स मज़ेदार थे, वो भी मज़ेदार होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अब ये प्रोग्राम समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर क्लासमेट्स, एंड
सब्सक्राइब द चैनल इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, है ना, और बाकी लोगों को भी बोलो सब्सक्राइब करने को. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय फॉर नाउ.